अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अखिल भारत रथ यात्रा कार्यक्रम के तहत उक्त यात्रा कल मिर्थल से हिमाचल प्रदेश के इंदौरा से होते हुए नूरपुर में पहुंची। उपमंडल नूरपुर के समस्त शिक्षा खंडों जैसे नूरपुर, फतेहपुर, राजा का तालाब, इंदौरा, ज्वाली तथा नगरोटा सूर्या के अध्यापक साथियों के साथ वार्ता की, जिसमें इस यात्रा के उद्देश्य जैसे पुरानी पेंशन बहाली तथा वेतन आयोग में एकरूपता तथा अनुबंध आधार पर शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र डवास ने एक वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस रथ यात्रा का यही उद्देश्य है और इसके माध्यम से केंद्र सरकार से समय रहते उक्त निर्णय समस्त कर्मचारी हित में लेने की अपील की जा रही है। साथ ही वर्तमान हिमाचल सरकार का भी पुरानी पेंशन बहाल करने पर समस्त भारत के प्राथमिक शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त किया गया। इस यात्रा में पंजाब के महासचिव सुभाष चंद, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रशपाल सिंह, हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष जगदीश शर्मा, महासचिव संजय पीसी, कोषाध्यक्ष कृष्ण पाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, महिला अध्यक्षा हिमाचल प्रदेश अनुराधा, महिला जिला सोलन अध्यक्ष रजनीश कौशिक, कांगड़ा से अनिल भाटिया, ऊना से महासचिव सैनी, कांगड़ा महासचिव कुलदीप पठानिया, खंड नूरपुर अध्यक्ष मुल्तान सिंह, फतेहपुर बलबीर संधु, राजा का तालाब से बलदेव सिंह, अंप से अध्यक्ष जग्गी, गगरेट अध्यक्ष सविता, ठियोग अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, कोटला से अशोक कुमार के साथ साथ लगभग 100 पदाधिकारी साथियों ने इस रथ यात्रा का स्वागत करते हुए भविष्य में पूरी तरह समर्थन देने का वादा किया। ये चार यात्राएं चल रही हैं एक साथ, जो पूरे भारतपुर से कन्याकुमारी, सोमनाथ से गुवाहाटी से और अटारी बॉर्डर से। इनका उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। नई पेंशन योजना में बहुत सारी कमियां आ रही हैं जिसके चलते वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें, जो कि 50% गारंटी के साथ और डीए के साथ, वरना हम आंदोलन को और तेज़ करेंगे। और अक्टूबर में हमारी दिल्ली मीटिंग है, हम भारत भवन का आह्वान भी कर सकते हैं। मैं जगदीश शर्मा, अध्यक्ष राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश। ये जो यात्रा भारत स्तर में चार दिशाओं से शुरू हुई है, एक दिशा से आज हिमाचल में प्रवेश किया है। इसमें मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन का है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन जैसे पहले थी यथावत बहाल की जाए। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और साथ में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ को आश्वस्त करते हैं कि पूरे देश में जैसे हमने प्रयास हिमाचल प्रदेश में किया है, जैसा संघर्ष हिमाचल प्रदेश में हमने किया है और उस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी आपके साथ हैं। जहां जहां भी हमें हमारी आवश्यकता रहेगी, हम बिल्कुल तन मन धन से प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ रहेंगे।